बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामईन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आशर नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। ये नाम उर्दू और इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसके स्पेलिंग क्या हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़ुबान है अरबी, यानी इस नाम की इब्तदाई तारीख अरबी ज़ुबान से निकलती है। मज़हब है इस्लाम, यानी इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल मुसलमानों के लिए किया जाता है। जिन्स है लड़का, यानी इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल लड़कों के लिए किया जाता है। आशर के मुख्तसर इंग्लिश मीनिंग है वेल्थ, थैंकफुल, लिविंग। उर्दू मायनी है खुशहाल, ज़िंदगी और शुक्रगुजार। आशर नाम का मुमकिन तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिन तीन ममालिक में किया जाता है उनमें सरफरिस्त है पाकिस्तान, नंबर दो पर है यूएई और नंबर तीन पर है सऊदी अरेबिया। इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले दिनों में शामिल हैं जुमा और सोमवार। नंबर पाँच को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है और इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाली दातों में शामिल हैं चांदी, जबकि इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले रंगों में शामिल हैं नीला और सबस। और मरकत नामी पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है और इस नाम के अफराद के बारे में ये समझा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हसास तबीयत के मालिक होते हैं और अपने माली हालात को बेहतर बनाने की कोशिश में रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के लिए कोई भी नाम फाइनल करने से पहले अपने इमाम मस्जिद या किसी आलम दीन से मशवरा ज़रूर करें और इसके साथ साथ आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।